अगर तुम वन पीस की थ्योरी वगैरह जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो तो तुम्हारे दिमाग मन में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर लूफी जो है वो है तो रॉजर की विल लूफी इनहेरिटेड करता है, इसका मतलब तो रॉजर भी जो है वो हुआ पर वो वन पीस को क्लेम वगैरह क्यों नहीं कर पाया। तो काफी लोग का दिमाग में या मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, पर इसका आंसर पर तुम लोग कहोगे गोमो गोमो नोमी उसके पास था नहीं इसलिए जो है वो नहीं। देखो गोमो गोमो नोमी उनमें से एक आंसर है, बाकी के आंसर अभी भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है और तुम काफी लोग कहोगे कुछ और कुछ और। देखो ये थ्योरी जान लेना, मैं पूरा आंसर एक बता दूंगा, काफी शॉर्ट में बता दूंगा एक्सप्लेनेशन करके, वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ कल या आज मैं अपलोड करने वाला हूँ चैप्टर 1062 के स्पॉयलर्स की वीडियो, तो सर इससे पहले एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना ताकि स्पॉयलर की वीडियो सबसे पहले देख सको चैप्टर आने से पहले। तो करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो रॉजर जॉय बॉय था तो उसने वन पीस क्लेम नहीं करा और उस पर बहुत सारे जो जॉय बॉय के काम थे उसने वो भी नहीं करे। तो देखो मेरे हिसाब से रॉजर एक छोटा जॉय बॉय कह सकते हो या फिर वो एक जॉय बॉय का पाथ क्लियर करने आया था, क्योंकि देखो हमें मालूम है कि रॉक डी ज़ीबैक बहुत ही खतरनाक आदमी था, उसने वर्ल्ड पे राज करने का प्लान बना रखा था जो अभी ब्लैक बियर्ड कर रहा है। और काफी लोगों के हिसाब से और मेरे हिसाब से रॉजर का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था रॉक डी ज़ीबैक को खत्म करना जिससे कि वो आने वाले जॉय बॉय के रास्ते में कोई अड़चन ना पैदा कर सके, मतलब अपने लूफी के रास्ते में। और देखो जॉय बॉय सिर्फ एक ही हो सकता एक टाइम पे, तो देखो उसका लक खराब था रॉजर का, आप ऐसा भी कह सकते हो। उसके टाइम पे ना तो तीनों में से कोई एक भी उसको वेपन मिला एंशिएंट वेपन, ना ही उस पर जो अपना गुमो गुमो नोमी डेविल फूड था वो था, और उस पर बस एक ही चीज़ थी, वो थी अपनी जॉय बॉय की विल, और उसी विल के साथ उसने अगले आने वाले जॉय बॉय को इंस्पायर करा। तो क्योंकि हमको मालूम है कि जॉय बॉय जब पैदा होता है जब एक जॉय बॉय ख़त्म हो जाता है, मतलब 800 साल से पहला जॉय बॉय अब लूफी आया है, रॉजर भी बन सकता था पर रॉजर की क्या है किस्मत ख़राब है ऐसा कह सकते हो, उसकी किस्मत में नहीं था। तो देखो रॉजर को अचानक से एक ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिससे वो 2 साल के अंदर चल बसने वाला होता है, उससे पहले वो जाके लाफ टेल पे पूरा हिसाब किताब लगा लेता है और अपना एग्जीक्यूशन की डेट भी फाइनल कर लेता था कि आने वाला जो है वो इंस्पायर हो के उससे तब पैदा हो सके जिससे वो अपना वन पीस क्लेम करे और जो जॉय बॉय की विल है वो इनहेरिट करके जो जॉय बॉय का काम है वो करे, अब जॉय बॉय की प्रोमिसज निभाए और फिशमैन से करे हुए। क्योंकि देखो रॉजर के टाइम पे पोसाइडन ने अपना मतलब बर्थ नहीं ली थी और अपना प्लूटोन भी रॉजर के पास, तो खैर टॉम ने बताया नहीं रॉजर को क्योंकि टॉम इतना खास उसका था नहीं, प्लूटोन था पर रॉजर को मालूम नहीं था। यूरेनस तो अभी भी बहुत से लोगों ने मालूम है, यूरेनस के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, 3-4 वीडियो हैं तो मैं पूरा यूरेनस की पावर को यूरेनस कहाँ है और यूरेनस कैसा दिखता है सबका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। हाँ तो देखो अगर रॉजर भी जॉय बॉय था पर रॉजर का यही काम था कि वो जॉय बॉय को इंस्पायर करे आने वाले और जॉय बॉय के लिए पाथ को क्लियर करे जिससे वन पीस क्लेम कर सके, पर वो थोड़ा बहुत तो कामयाब होगा क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी रॉक डी ज़ीबैक था, उसके क्रू में काइडो बिग मोम और अपना वाइट बियर्ड शीकी और अपने 2-3 लोग और थे कैप्टन जॉन, इतने खतरनाक क्रू के साथ तो देखो लूफी को वो आराम से पेल देता और वर्ल्ड पे अभी तक तो राज कर रहा होता अगर उस टाइम गार्प और रॉजर नहीं होते। वैसे अभी के टाइम पे अगर वो होता तो आई डोंट थिंक वो इसको हरा पाता और लूफी के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करता और लूफी को हरा भी सकता था, क्योंकि देखो काइडो इतना खतरनाक है तो सोच कैप्टन कितना खतरनाक हुआ। अगर देखो तुम लोगों को उसके डेविल फ्रूट के बारे में जानना है रॉक डी ज़ीबैक के, उसके बारे में अगला वीडियो बना दूँ कमेंट में बता देना। तो यही वीडियो यहीं तक थी, वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर कर देना ताकि आने वाले स्पॉयलर्स की वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुँचती रहे। चैप्टर आने से पहले देख लेना स्पॉयलर, वरना अपने फ्रेंडों के सामने स्पॉयलर स्पॉयलर कैसे खेल पाओगे। तो वीडियो यहीं तक थी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।